अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को लिखने का शौक होता है तो किसी को पढ़ने का शौक होता है तो किसी को इंग्लिश में लिखने का शौक होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी भाषा में लिखने का शौक होता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शिक्षिका ऐसी है कि जिन्होंने 2 वर्षों में 200 से अधिक हिंदी में कविताएं लिखी है। इनकी कविताएं लोगों को इतनी पसंद आती है कि लोग इन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। जिले की आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाएं उन्हें हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मानित भी कर चुकी है। यह शिक्षिका को 2 वर्षों से हिंदी की कविताएं लिख रही है। इन्होंने हाईटेक युग में हाईटेक तरीका भी अपनाया है। सबसे पहले वे अपने मोबाइल पर ही कविताएं लिखते हैं, इसके बाद उन्हें कॉपी किताबों में लिखा जाता है। जब लोकल 18 की टीम ने हिंदी में कविताएं लिखने वाली शिक्षिका प्रेमलता साकले से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने 20 वर्षों तक शिक्षिका रहते हुए बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाया है, जिसके बाद मुझे अभी 2 वर्षों में कविताएं लिखने का ऐसा जुनून चढ़ा कि मैंने 2 वर्षों में 200 से अधिक हिंदी में कविताएं लिख चुकी हूँ। कविताएं लिखने पर मुझे शहर के आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। मैं अभी तक 200 बच्चों को निःशुल्क हिंदी में कविताएं लिखना भी सिखा चुकी हूँ। आगे भी मेरा यही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी मुझसे सीखना चाहता है मैं उन्हें निःशुल्क सिखाऊंगी। कविताएं लिखने वाली शिक्षिका प्रेमलता को जिले की आधा दर्जन से अधिक संस्थाओं ने सम्मानित किया है, जिसमें रोटी बैंक, रोटरी क्लब, मानव सेवा संस्था, हिंदू सेवा समिति, मानव अधिकार संगठन और वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मानित कर चुकी है। लिखने का शौक है और क्या हिंदी की ओर आप बढ़ रहे हो और विद्यार्थियों को भी आप सिखाते हो, क्या जी? मैं पिछले 20 वर्ष से शिक्षिका हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षित किया है और मैं हिंदी को बढ़ावा देना चाहती हूँ। बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं। मैं करीब 2 साल से कविताएं लिख रही हूँ अभी, और मैंने 100-150 के करीब कविताएं लिख चुकी हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं ये कार्य कर रही हूँ। जो बच्चे सीखने आते हैं उनको भी निःशुल्क हिंदी में कविता लिखना सिखाते? जी जी बिल्कुल। कितने बच्चों को सिखा चुके हो? करीब 100 बच्चे मेरे पास शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। उनको भी आप सिखा दो? जी। कैसे आप मोटिवेट हुए इस कविता लिखने के प्रति, मतलब क्या है? हिंदी मेरी प्रथम मातृभाषा रही है और इंदिरा कॉलोनी में हमारे धुआंधार अंकल रहते हैं, उनसे मोटिवेट होके, और सुनंदा गावंडे जो कविता लिखती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनसे मोटिवेट होके मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमलता साकले है।